हे गाइस, आई एम संदीप एंड यू आर वाचिंग टॉप टेक। तो इस टाइम पे मैं क्या, आप सभी लोग ही शायद घर पे ही बैठे होंगे। तो ये है क्योंकि कोरोना टाइम। तो इस टाइम पे हम लोग अगर एक मैसेज देखे, यू आर यूज्ड 50% डेटा नेटवर्क, तो मैं क्या आप सभी लोगों का सिर घूम जाएगा। तो इस टाइम पे हम सभी लोगों का दिल में एक ख्याल आता है, वो है अगर मैं फ्री रिचार्ज कर सकता तो। मैं सुंदरपन घोष और आप देख टॉप टेक। चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ फ्री रिचार्ज कैसे करें। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैसे नेट पा सकते हैं, मतलब आप कैसे 1.5 GB डेटा या फिर 2 GB डेटा कैसे पा सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रही होगी, आप वहाँ पर फुल डिटेल्स जान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपको सिर्फ एक नंबर को डायल करना होगा, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका नंबर वो कट हो जाएगा। उसके बाद एक मैसेज आएगा, तो उससे आपको पता चलेगा आपका 1.5 GB डेटा या फिर 2 GB डेटा ऑन हो गया है। तो मैं आपको साइड में डिटेल्स दे दूँगा, आप देख सकते हैं। तो मैं डायल कर लेता हूँ 1 और डायल करना होगा आपको 1299। देखिए मेरा कॉल कट हो गया। तो इसके बाद आपको आपका फोन में एक मैसेज आएगा, तो ये देखिए मेरा आ गया। खोलते हैं मैसेज को, देखिए आपको दिखा रहे हैं अपना रुपीज 199 1.5 GB पर डे। तो ये हो गया आपका डेटा फुल। तो अब मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर आप सोचेंगे मेरा तो डेटा फुल हो गया, मतलब मैं डबल रिचार्ज कर लिया, तो पहले तो आप सोचिए अपना 1.5 GB अपना आप लोग यूज़ करते थे, तो अब फिर से आप 1.5 GB यूज़ कर सकते हैं, मतलब 3 GB। तो आप जब अपना जियो ऐप खोलेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ 1.5 GB है। तो अब मैं बता दूँ, यहाँ पर आप थोड़ा मैसेज को पढ़िए, मैसेज को मैं पढ़ लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा है अपना पहले बैलेंस फॉर जियो नंबर, अपना नंबर दिया होगा, उसके बाद रुपीज़ 199 1 MB ये 1.5 GB पर डे प्लान। उसके बाद क्या आता है देखिए, पूरा पढ़िए। डेटा 1.15 GB मेरा अभी तक है, मतलब ये रिचार्ज नहीं होगा। अपना डेटा कितना है, आपका डेटा आप कब ख़त्म होगा, आपका SMS पैक कितना है, वो सब यहाँ पर देगा। ये पूरा फेक है, ऐसे बातों में आप नहीं पड़े तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे बहुत सी केस है जहाँ पर आप लोग बार बार डायल करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता, और बोलते हैं मेरा ये नहीं वो है। तो ऐसे बातों में ना पड़े तो बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे और एक बात बता दूँ मैं, यहाँ पर बहुत सी लोग कहेंगे भी मेरा हुआ, लेकिन वो लोग सब झूठ ही कहेंगे, कोई भी सच नहीं कहेगा। तो ऐसे भी बहुत सी केस है, लेकिन एक दो बंदे का हुआ, ऐसे भी होता है। तो वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये लोगों को जाननी चाहिए। और वीडियो को प्लीज़ कमेंट कर देना, और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज़ ऐसी नई वीडियो लेकर आती हूँ। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, और ऐसी झूठी बातों में मत पड़ना, ओके।